ओके गाइस, तो आज हम देखेंगे Redmi Note 4 में Android Nougat Android Yen कैसे इंस्टॉल किया जाए। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम फेस होते रहेगा कि वो अभी भी मार्शमेलो में ही है, कोई अपडेट नहीं आ रहा है, तो देखते हैं कि कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो एनी फर्दर ड्यूज, लेट्स गो फॉर इट। ओके गाइस, तो आपको Nougat अपडेट करने के लिए दो तीन इजी स्टेप्स फॉलो करना होगा। एक्चुअली मेरा अभी स्टेबल वर्जन है, डेवलपर वर्जन में भी नहीं है, तो देखते हैं कि कैसे करना है। जस्ट आपको गूगल क्रोम में जाना है या कोई भी ब्राउज़र में जाना है, वहाँ से आपको MIUI का साइट पे जाना है, जो ऑफिशियल साइट है अपना उसमें जाना है। एंड उसे क्लिक करते ही वहाँ स्विच टू PC साइट दिखेगा, वहाँ क्लिक करना है। जैसे ही वो क्लिक हो जाए वहाँ डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ जाएगा टॉप पे, वहाँ आपको डाउनलोडिंग का ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड आपका मोबाइल को चूज़ करना है। तो मेरा तो Redmi Note 4 है, तो मैं सर्च कर रहा हूँ Redmi Note 4। ठीक है, यहाँ है Redmi Note 4, तो इसे क्लिक करते ही आपको स्टेबल वर्जन और डेवलपर वर्जन का दो ऑप्शन आ जाएगा। तो ऑलरेडी आपका नया मोबाइल है तो ऑलरेडी वो स्टेबल वर्जन में रहेगा, तो आपको Nougat के लिए डेवलपर वर्जन में जाना पड़ेगा। तो डेवलपर वर्जन का सबसे ओल्डर वर्जन जो 7.2.1.6 है उसे डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ वो वर्जन नहीं है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। 1.164 MB का GB का ये डाटा है, तो आपको वहाँ से देखना है कि वो कहाँ से हुआ है एंड वो 1.6.1 GB का ही डाटा है क्या नहीं। अगर वो 1.6.1 GB का डाटा है तो आपको अपडेटर में जाके सिलेक्ट पैकेज करना है, जो आपने अपडेट किया हुआ है वो आपको पैकेज सिलेक्ट करना है, जो आपने जस्ट अभी डाउनलोड किया हुआ है उसे आपको सिलेक्ट करके ओके दबाना है। जैसे ही आप दबाओगे ऑटोमेटिकली रिकवर होके डिक्लेप्टिंग होगा, तो इसका वजह से ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा और नियर बाई 15 to 20 minutes लगेगा आपको रिसेट होने में। और मेन कि आप ऑलरेडी इसका बैकअप लीजिए, क्योंकि इसमें जो आप डाउनग्रेड कर रहे हो तो ऑल आपका डाटा जो भी है इरेज हो जाएगा। तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, नियर बाई 15 to 20 minutes तो लग ही जाएगा स्टार्टिंग का फर्स्ट बूट के लिए, और सेकेंड जो आप अपडेट करोगे उसके लिए इतना टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि मेरा ऑलरेडी बूट हो चुका है। तो देखते हैं कि सेटिंग्स में इसका क्या वर्जन आया हुआ है। इसमें MI लाइव करके एक नया एप्लीकेशन भी आया हुआ है। तो सेटिंग्स में अबाउट फोन, वो अभी भी 6.0.1 मार्शमेलो में है। तो अभी आप ग्लोबल बेटा वर्जन में हो, तो आपको करना ये है कि आपको अपडेट पे जाना है, और जो भी अपडेट है नियर बाई 1.6.1 GB का अपडेट होगा, अगर वही अपडेट होगा तो ये आपको करना है, उसमें ही आपको Nougat मिल जाएगा। अगर 1.4.1 का कोई भी अपडेट हो तो मत कीजिए, यहाँ से आपको नहीं मिलेगा, आपको Nougat का जो अपडेट है वो नहीं मिलेगा। अगर आपको Nougat का अपडेट का लिंक चाहिए तो ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो। तो ओके गाइस, तो ऑलरेडी अपडेट तो हो चुका है, तो मैं इसे अपडेट नाउ कर देता हूँ। तो इसके लिए नियर बाई 5 to 10 minutes लगेगा, पहले का बूट जैसे 20 मिनट तो नहीं लगेगा, सिर्फ 10 मिनट में ये बूट हो जाएगा। जैसे ही ये बूट होगा मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या नया फीचर्स है। तो ये बूट हो चुका है और सेटिंग सब सेम ही लग रहा है, सिर्फ हम सेटिंग में जाके अबाउट फोन में देखेंगे कि अभी हमारे पास Nougat वर्जन आया हुआ है या नहीं। तो अबाउट फोन, या गाइस फाइनली हमें Nougat वर्जन मिल चुका है। जो भी डेवलपर वर्जन डाउनलोड करके Nougat अपडेट करेगा उसे Nougat का अपडेट मिल जाएगा, लेकिन अगर कोई स्टेबल वर्जन में रहेगा तो उसे ये Nougat का अपडेट नहीं मिलेगा। तो इसके अलावा जो अगर फ्यूचर्स आपको देखना है Nougat में क्या क्या फ्यूचर्स है, तो आपको इसके बारे में जानना है तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो में इस पर बनाऊँ। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।